अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तारिक खान किचन फूड मजाक। अल्लाह के फजल के से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लाया हूँ फ्राई बैंगन। ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी बैंगन बनाएंगे हम, मसालेदार। तो आप रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा और ज़रूर बताया करें कॉमेंट्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बैंगन आपने दरमियाने साइज़ के लेने हैं और दरमियान में से आपने ऐसे ऐसे दो पीस करने हैं बस। ये देखें, ये देखें, इस तरह पीस आपने इसके कर लेने हैं। अब आपने इसे ऐसे करना है कि इसमें आपने कट लगाने हैं इस तरह, ज़रा गहरे कट लगाने हैं आपने सीधे। ये देखें, इस तरह आपने ये कट लगा लिए। ये देखें, इस तरह कट लगा लेने हैं और दरमियान में एक या दो जगह से इस तरह आपने ये कट हमारे रेडी हो गए। अब इनके लिए जो मसाला जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार करना है आपने। अब इसमें जनाब हम यूज़ करेंगे नमक, इसके अलावा सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला आप यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम ये जनाब हमारा रेडी हो गया इसमें। अब हम इसमें अच्छी तरह से ये फिलिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरह जितनी भी है। ये देखें, फिलिंग हमारी रेडी हो गई। इस तरह हम तमाम जितने भी बैंगन हम बनाना चाह रहे हैं उसमें तैयार कर लेंगे। ये देखें, मैंने तमाम को मसाला लगा लिया है, ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें बटर में फ्राई करेंगे। आप ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बटर में करूँगा। तो मैंने ये देखें अपना इसमें बटर डाल लिया है। अब इसमें हम इसको उस पर बैंगन रखेंगे। शुरू में आपने थोड़ी सी आँच तेज़ रखनी है, उसके बाद आपने लाइट कर देनी है। ये देखिए, अब हम इसे देख लेते हैं, हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के हो रहे हैं। इसकी साइड चेंज कर लेंगे हम सब की। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इधर से अब हम लास्ट इसे टच देंगे इसी तरह बैक साइड से दोबारा। देखें, ये जो हमारे फ्राई मसालेदार बैंगन रेडी हैं, अब मैं उतार लेता हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त। तो ये मसालेदार फ्राई बैंगन हमारे रेडी हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे राइस के साथ और नान के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर आज़माइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल फूड मजास्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।